हेयर कलर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से मैं कुछ अरेंजमेंट करती हूँ, मेरे जहाँ पे बैठ के मैं हेयर कलर करती हूँ उस जगह को। तो यहाँ पे फ्लोर पे मैंने एक चादर बिछा लिया है ताकि कलर अगर फ्लोर पे लग जाए, मतलब कलर अगर नीचे गिर जाए तो फ्लोर पे ना लगे, तो उसमें दाग हो सकता है और वो कभी नहीं जाने वाला दाग हो सकता है। तो ये चादर पे ऐसे एक चादर ज़रूर बिछा लेना जिसमें अगर थोड़ा सा दाग भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और फिर एक मिरर चाहिए, एक कॉम, कुछ क्लिप्स, क्लिप्स की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ये है हेयर कलर का पैकेट, और एक ग्लास, मतलब नॉन मेटेलिक कोई बोल चाहिए, या प्लास्टिक भी ले सकते हैं, आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं, आप ग्लास भी ले सकते हैं। तो मैंने एक ग्लास लिया है और यहाँ पे एक ब्रश, और वो रहा मेरा मोबाइल। तो जब भी मैं हेयर कलर करती हूँ तो मैं ऐसे डार्क कलर के कुछ पहन लेती हूँ टॉप, ताकि मेरे ऊपर अगर कलर थोड़ा सा गिर भी जाए तो कपड़े ज़्यादा खराब ना हो। और ऐसे कपड़ा पहन लेना जो भी खराब होने से आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स। एक्चुअली मैं लॉरियल लेने गई थी, पर शॉप में मुझे कहा गया कि, मतलब उन लोगों को जब मैं पूछती हूँ कि कौन सा अच्छा रहेगा, तो उन लोगों ने खुद मुझे प्रेफर किया कि आप स्ट्रिक्स ले लो, ये प्राइस भी स्ट्रिक्स का काफ़ी कम आ जाते हैं। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि ये पहली बार है जो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले पहले यहाँ पे मुझे मिलते हैं एक पाउच जिसमें लिखा है ब्लॉन्डर पाउडर। उसके बाद यहाँ पे है एक इंस्ट्रक्शन किस तरह से इसे लगाना है। इसका तो कुछ पता नहीं, पर ये लगता है ऐसे मिक्स करने के लिए। वैसे मिक्स करने के लिए मेरे पास मेरा ब्रश है, पर ये शायद मिक्स करने के लिए होगा। और दिया गया है एक छोटा सा बॉटल, ये क्या है, ये डेवलपर है, ये है डेवलपर। और उसके साथ साथ ग्लव्स तो दिया गया है, ऑब्वियसली ग्लव्स रहता है हर एक पैकेट में। यह है अल्ट्राशाइन कंडीशनर। अच्छा, कंडीशनर यहाँ पे 4 पाउच दिए गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों के जो बाल है वो बहुत लंबा होता है, तो उनके लिए एक दो पैकेट शायद इनफ नहीं होगा, तो इसलिए तो जितना ज़रूरत है आप उतना यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने हेयर को 2-3 लेयर में ऐसे डिवाइड कर लिया है क्लिप से। तो मैं नीचे के बालों से स्टार्ट करूँगी करना। तो हेयर को सेट करने के बाद हमें, मुझे ये जो मिक्सचर है इसे बनाना पड़ेगा। कलर जो है इसे मिक्स करने के बाद ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना है। तो सबसे पहले इस बोल में मैं ऐड कर रही हूँ ये डेवलपर। और फिर मुझे मिक्स करना है ये पाउडर जिसका नाम है ब्राउन पाउडर। अभी उनके पैकेट से दिया गया है, इससे मैं पूरे पैक को बनाऊंगी। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा भी लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए। और ये मिक्स होने के बाद मैं क्या करूंगी, जो जो बालों में मैं, मतलब बालों के जिस जिस पोर्शन में मैं ये कलर करूंगी उस पोर्शन को मैं अलग कर लूंगी इस तरह से। पूरे बालों में तो ये नहीं किया जाता, तो थोड़े थोड़े बाल ऐसे छोड़ छोड़ के आपको ऐसे लेना पड़ेगा अलग अलग भाग से। तो फर्स्ट मैं इतने से बालों में कर लेती हूँ। और ये स्कैल्प से अप्लाई बिल्कुल भी मत करना, और स्कैल्प में कोई भी केमिकल, मतलब जो भी आप हेयर मास्क या हेयर कलर जो भी यूज़ करें, स्कैल्प से आप स्टार्ट मत करना। मैं भी ये काफ़ी नीचे से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, पर इससे पहले मैं अपना ग्लव्स पहन लेती हूँ, क्योंकि ग्लव्स पहनने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और फर्स्ट टाइम मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ। Thank you.
फेशियल से लेके हेयर में अप्लाई करने तक प्रोसेस आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और अनदर 10 मिनट्स आपको स्टे करना है सॉफ्ट हाईलाइट पाने के लिए। और अगर आप हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा ही विजिबल करना चाहते हैं तो आपको और 15 मिनट्स के लिए रहना है। टोटल प्रोसेस आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। तो अभी मैं इसे हेयर वॉश करूँगी, शैम्पू मत करना क्योंकि यहाँ पे शैम्पू करने की कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे जो कंडीशनर दिया है उससे आपको बालों को वॉश करना है, मतलब बहुत अच्छी तरह से बालों को पहले वॉश कर लीजिए। जब पूरे कलर सब कुछ चला जाएगा, क्लीन हो जाएगा हेयर, तब उसमें अप्लाई करना है कंडीशनर। इनमें से दो तीन जो भी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से यूज़ कर लीजिए। तो रियली मैं बहुत खुश हूँ, मतलब अभी जस्ट कुछ देर पहले ये कम्प्लीटली ड्राई हुआ है, तो मैंने सोचा कि कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो ही कलर अच्छी तरह से विजिबल होगा, तो ही मैं आपको अच्छी तरह से मतलब फाइनल रिजल्ट आपको दिखा सकती हूँ। एंड वॉचिंग गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको बहुत यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। आप सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, और आगे से और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहना वीडियोस को, क्योंकि मैं एवरीडे लगभग मैं एवरीडे अपना वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। और तब तक के लिए चलिए बाय बाय, और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ।